गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एम्ब्रियोजेनेसिस हमने कल कंप्लीट कर लिया था, है ना? एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट हो गया था। आज जो है हमारे सामने डेवलप्ड एम्ब्रियो है, उसका स्ट्रक्चर और सीड के अंदर वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड जब बनता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स हो जाते हैं, तो उसमें पहला इवेंट एम्ब्रियोजेनेसिस था। इसके बाद क्या क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं ओवरी के अंदर, वो सारा देखना है। तो देखो, एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद एम्ब्रियो जो क्या करता है, नरिशमेंट किससे लेता है? एम्ब्रियो गेट नरिश्ड बाय एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से ये नरिशमेंट ले लेता है। इसके बाद एंडोस्पर्म के टाइप जो है वो कितने होते हैं? तो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। कौन कौन से एंडोस्पर्म है? पहला तो फ्री न्यूक्लियर, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर बाउंड नहीं हो पाते। मतलब क्या है इसका? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो ये जो टाइप है, इट इज अ सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, फर्स्ट टाइप। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये एम्ब्रियो है जो नरिशमेंट लेता रहता है। दूसरा टाइप होता है ये सेल्यूलर नहीं है, फ्री न्यूक्लियर है। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो क्या? दूसरा सेल्यूलर, जिसके अंदर सेल्स डिवाइड होगी लाइक दिस, साइटोकाइनेसिस होगा इसके अंदर और एम्ब्रियो इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो मोस्टली प्लांट के अंदर सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म ही प्रेजेंट होता है। और थर्ड टाइप होता है हेलोबियल, जिसके अंदर फ्री न्यूक्लियर भी चलेगा, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सेल्यूलर भी होगा, ये सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है? तो तीनों टाइप के जो है एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, कोई भी टाइप का हो सकता है। इसमें से इसका एग्जांपल कोकोनट वाटर है, ठीक है? बाकी एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए नोट्स के अंदर, देखते रहना। कोकोनट वाटर, दैट्स व्हाई, बिकॉज बहुत ज़्यादा नरीफाई, उस पर क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई इट इज़ सो नरीफाई वाटर एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कोकोनट वाटर। तो उस पर क्वेश्चंस बनते हैं कोकोनट वाटर, ठीक है? अब मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं। व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन मॉडिफिकेशन? क्या है पहला? सबसे पहले है ओवरी। ओवरी जो प्रेजेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? तो ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट होती है बताओ? इंटेग्यूमेंट्स। सेकंड है, इंटेग्यूमेंट्स किसके अंदर होते हैं? आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का कन्वर्जन किसके अंदर होता है? फोर्थ है फ्यूनिकल,
फ्यूनिकल का कन्वर्जन किसके अंदर होता है? तो बताओ, पढ़ चुके हो ना आप लोग, ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? किसके अंदर? फ्रूट। इंटेग्यूमेंट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे? जितेंद्र वर्मा बताएगा। कम ऑन जितेंद्र, आंसर इट फास्ट। सरिता बताएगी। या फिर श्रद्धांशी। क्या हुआ, पढ़ाई नहीं की आज फिर से? किसके अंदर कन्वर्ट होते प्रियांशु इंटेग्यूमेंट्स? मैम पेरिकार्प या एंडोकार्प? एंड इंटेग्यूमेंट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? पेरिकार्प के अंदर। नहीं, इंटेग्यूमेंट्स किसके कवर होते हैं? ओवरी के होते हैं या फिर ओव्यूल के होते हैं? अगर ओवरी के कवर हुए तब वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो सकते हैं, ओव्यूल के हुए तब तो होंगे ही नहीं। सो दे बोथ विल कन्वर्ट इनटू सीड कोट। मैम की कमियां निकाल के छोड़ के तुम्हारी खुद की कमियां ढूंढो, कुछ भी नहीं आ रहा है तुम लोगों को। पता नहीं क्या करते रहते हो किताबों के साथ। आउटर टेस्टा, जो सीड कोट होता है, आउटर सीड कोट जिसे बोला जाता है वो होता है टेस्टा। इनर सीड कोट टैगमेन, बार बार कह रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको तो लर्न करना ही पड़ेगा। अब बताओ ओव्यूल्स किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? सीड के अंदर। सीड के अंदर, सीड, यस, सीड के अंदर। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल किसके अंदर कन्वर्ट होता है? फास्ट आंसर करो थोड़ा। स्टॉक के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, अभी भी लर्न नहीं है, रिविजन टाइम में भी। चलिए ठीक है, ये तो थे मॉडिफिकेशंस। अब मॉडिफिकेशंस के बाद हमने इसके अंदर जो देखा था, सीड है, सीड डेवलप हो चुका है, तो सीड का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो सीड को हम क्या दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है ये? ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बेसिस पे हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? कि एक ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा और दूसरे ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो नहीं होगा तो एक्स या नॉन लगाएंगे, और होगा तो सिंपली उसका नाम लिखेंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड्स, जिनके अंदर क्या है एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है दे आर नोन एज एक्स एल्ब्यूमिनस।
या फिर नॉन एल्बुमिनस, या फिर इसको एंडोस्पर्म के नाम से भी बोल सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इन्हें क्या बोल सकते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान है। अब मेरे को एग्जांपल्स बताओ, चलो एग्जांपल्स बोलो, बुक्स खोलो और उनके अंदर एग्जांपल्स है, जल्दी बोलो। तुषार इसके बताओ एल्बुमिनस सीड के एग्जांपल्स। मैम पीनट। पीनट एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल है, वो पक्का कंफर्म? मैम बीट है, मेज है और बार्ली है, कस्टर्ड है। और पीनट किसका है? मैम सॉरी मैम, मैंने गलत बोल दिया। हाँ बोलो प्रियांशु। पी और ग्राउंडनट ये नॉन एल्बुमिनस की। ठीक है, सो तुषार अब आपने गलत बोला है ना, आपको याद रहेगा कि एग्जाम में मुझे क्या सही लिखना है उसके अंदर। देखो एल्बुमिनस सीड के अंदर आप ऐसे दिमाग लगाओ, इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, तो सीड्स जो क्या होते हैं, जूसी होंगे थोड़े से सीड। अभी जैसे ये एग्जाम्पल मेज का आया है ना, तो मेज के सीड्स आपको जूसी नहीं लगते क्या? थोड़े होते हैं वो, उसके अंदर बकायदा एंडोस्पर्म नज़र भी आता है। ये इस तरीके का सीड है, ये एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और दो तरीके के एंडोस्पर्म होते हैं उसके अंदर। नीचे तो ये आपको स्टार्ची लेवल नज़र आता है, और ऊपर जो है वो कंप्लीट येलोइश पार्ट नज़र आता है। तो सीड नरीफाई होगा किससे? वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये सारे एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल नॉन एल्बुमिनस, जिसके अंदर जो है एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होगा, सीड बन गए लेकिन एंडोस्पर्म नहीं है उसके अंदर, तो वो नरिशमेंट किससे लेंगे? तो दैट्स वाई देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोटाइलिडन्स। कोटाइलिडन्स क्या है? कोटाइलिडन इज अ पोर्शन विच कंटेन रिजर्व फूड मटीरियल, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स देगा। तो सिंपली सी बात है, दिमाग लगा लो फटाफट, और इसके एग्जांपल जो भी आपको कोटाइलिडन्स वाले प्लांट्स या सीड्स दिमाग में आए वो आप इसके अंदर एग्जांपल डाल सकते हो। लेकिन उससे पहले मेरे से कंफर्म करना, ठीक है? सारे नहीं होते कोटाइलिडन वाले, तो इज इट क्लियर? हाँ मैम, एम्ब्रियो को तो फूड तो वो भी दे, नरिशमेंट और फूड तो एंडोस्पर्म दे। हाँ एंडोस्पर्म देता है, ये एंडोस्पर्म इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एंडोस्पर्म भी डिसॉल्व हो जाएगा जब एम्ब्रियो पूरा मैच्योर हो गया, और वो डिसॉल्व हो गया तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक फूड में। तो अब ऑप्शन ये आ जाता है कि भाई जब एंडोस्पर्म नहीं है तो एम्ब्रियो सर्वाइव कैसे करेगा? दैट्स वाई जो कोटाइलिडन्स बनते हैं वो अपने अंदर खाना स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, चलो सीड, सीड का स्ट्रक्चर पहले डाइकोट देख लेते हैं, फिर मोनोकोट देख लेते हैं। यह आपके 11th में भी था। डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रियो ए न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, दीज आर कोटाइलिडन्स। ये कोटाइलिडन्स है इसके, तो ये दो कोटाइलिडन्स है, तो ये डाइकोट सीड बन गया। हमने जो लास्ट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखा था ना, ये हार्ट शेप हो गया था, तो ये कोटाइलिडन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं फिर,
और एम्ब्रियो का तो मेन सेंटर यही रहता है, वहीं पे वो सारे जो है डिवाइडेड सेल्स रहती है जिनका फैट्स जो है वो फिक्स हो गया, वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों क्या है, कोटाइलिडिन्स है। ये एम्ब्रियो है, ये वाला रीजन क्या बनाएगा, इसका स्टेम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लिम्यूल। ये नीचे वाला रीजन रेडिकल क्या बनाएगा, रूट्स, स्टेम, कोटाइलिडन। क्या मेरे को आप इसमें से ये बता सकते हो हाइपोकोटाइल कौन सा है और एपिकोटाइल कौन सा है? बता सकते हैं आप लोग व्हाट इज हाइपोकोटाइल एंड व्हाट इज एपिकोटाइल, कहाँ है? अभी मेरे को 10 मिनट बाद याद दिलाना, आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है मेरे को, है ना, 8 बज जाए तब। नहीं पता, देखो एपिकोटाइल रीजन अपर रीजन होता है, कोटाइल है, कोटाइलिडिन्स के अंदर आएगा। ये ऊपर वाला जो रीजन होगा इतना इतना, ये एपिकोटाइल होगा। एम्ब्रियो के नीचे वाला ये रीजन हाइपोकोटाइल होगा। तो अभी तो सीड हमने खोला हुआ है, जब सीड आपके सामने पैक हो इस तरीके से, ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है नीचे, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। एम्ब्रियो आप कहाँ बनाते हो उस तरीके से आप लेबलिंग कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एम्ब्रियो बनाया है, तो इस रीजन को मैं क्या बोलूंगी, एपिकोटाइल, और इस रीजन को क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। दैट्स इट, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल हो गया। चलो अब मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मोनोकोट सीड के अंदर क्या होता है, कोटाइलिडिन एक ही होते हैं। ये तो इसका सीड कोट हो गया, दिस इज द सीड कोट। देन अंदर क्या होता है, इंटरनल एक एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है। किसकी बनी हुई होती है वो, किसकी बनी हुई होती है, एल्यूरोन लेयर, दिस इज द एल्यूरोन। देख लो, अब तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो ना, बहुत प्रॉब्लम आने वाली आगे। मेरा काम तो मैं तिबारा भी रिवीजन करवा दूंगी, पर पढ़ना तुम्हें खुद को ही पड़ेगा। दिस इज द एल्यूरोन लेयर, ALUERON, एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर यहाँ पे एक पाउच लाइक छोटा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में कोटाइलिडिन प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कूटैलम। दिस इज द स्कूटैलम। मोनोकोट है, एक ही कोटाइलिडिन है, इसलिए। फिर इसके अंदर कहाँ गए अब ये रेडिकल और प्लीम्यूल। तो ये यहाँ पे है प्लीम्यूल, दिस इज द प्लीम्यूल, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ये रेडिकल को कवर करने के लिए ये पोर्शन प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल,
ठीक है, दिस इज द कोलियोराइजा, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। किसको कवर कर रहा है कॉलियोप्टाइल? इस प्लीम्यूल को। कॉलियोराइजा किसे कवर कर रहा है? रेडिकल को, ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे और इन फ्यूचर ये रूट और शूट के अंदर डेवलप हो सके। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है मोनोकोट और डाइकोट सीड के। अब मैं एक बार आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। फिर एग्जाम कैसे दिया आप लोगों ने? चीटिंग करके? सीड इज क्लियर? सीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी तो और आगे सॉल्व करेंगे उसको। अब बारी आती है फ्रूट की। फ्रूट्स की बारी। देखो, फ्रूट्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है ये? ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ है बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट और उससे एम्ब्रियो बना है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, एम्ब्रियो बना है और फिर उससे जो है ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो गई है, तो ऐसे फ्रूट्स जो है ट्रू फ्रूट्स कहलाएंगे। और इनका स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा होता है इसके अंदर, कि ओवरी जो होती है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। ये ओवरी है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो चुके। आउटर जो ये मेम्ब्रेन होती है इसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, इनर स्टोनी सी होती है, आउटर थोड़ी सी हार्ड होती है और इनर वाली स्टोनी मेम्ब्रेन होती है और ये अंदर सीड है। एक सीड है, दो सीड है, डिपेंड करता है ओवरी कैसी थी। ये है एंडोकार्प और सेंटर वाला जो ये पोर्शन है पूरा का पूरा, ये क्या है? मीजोकार्प, जो कि क्या होती है? एडिबल होती है। ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं इन्हें ड्रूप फ्रूट्स बोला जाता है। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स को ड्रूप फ्रूट्स बोला जाता है। पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एंडोकार्प के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बकायदा उनके सीड कोट्स एंड सारे स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होते हैं। सिर्फ मीजोकार्प एडिबल होता है, पेरिकार्प जो होता है उसका बाहर वाला प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, ये होते हैं ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट के अंदर क्लियर बात यह है कि ये फर्टिलाइजेशन से नहीं बनते, तो देर इज नो फर्टिलाइजेशन, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसके अंदर, किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दैट्स वाई इनको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। तो कैसे बनते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो? कैसे बनते? तो ओवरी का कोई भी पार्ट Rather than ovary,
कोई भी पार्ट फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, रादर देन ओवरी एनी पार्ट ऑफ फ्लावर कैन कन्वर्ट इन टू फ्रूट. दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज फॉल्स फ्रूट. ऐसे फ्रूट्स को क्या बोला जाता है? फॉल्स फ्रूट बोला जाता है. समझ में आ रही बात? देखो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है मतलब वो स्ट्रक्चर सोलोएन हो सकता है, और मेन जो फर्टिलाइजेशन हम इसके अंदर मानते हैं इट इज अ प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो वही हुआ जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के थ्रू हो रहा है ना. तो इसके अंदर वही फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, या फिर ओवरी नहीं बन के कोई अदर पार्ट जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है. तो इस टाइप के फ्रूट्स जो होंगे वो फॉल्स फ्रूट होंगे. बुक के अंदर एग्जाम्पल भी दिया गया है, एक आपके उसमें टी ए सेक्शन बताया गया है एप्पल का, एक स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल दिया गया. सो कैन यू टेल मी स्ट्रॉबेरी इज अ ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट? स्ट्रॉबेरी किसका एग्जाम्पल है? किसका? फॉल्स फ्रूट का. कंफर्म करो वापस, किसका एग्जाम्पल है? देखो, ट्रू फ्रूट बन रहे, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो सीड तो कंफर्म है, सीड तो होंगे ही होंगे. तो क्या फॉल्स फ्रूट के अंदर भी सीड बनेंगे? क्या कह रहा है ये? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ओवरी के अलावा कोई भी फ्लावर का पार्ट फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है. तो उसमें कंडीशन फर्टिलाइजेशन वाली भी आ जाएगी, कि भले फर्टिलाइजेशन हुआ है लेकिन वो ओवरी फ्रूट नहीं बना रही है, ओवरी के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो फ्रूट बना ले. तो एप्पल खाते उसके अंदर सीड्स तो निकलते हैं ना, तो क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एप्पल के अंदर? सो दिस इज योर होमवर्क, ये मेरे को आप कल क्लियर करना, ठीक है? क्या है क्या नहीं है, अगर नहीं रीड करोगे तो आप ही को नहीं समझ में आएगा. मेरा काम था एक थोड़ा सा हिंट देना है. अब वो स्ट्रॉबेरी किसका है, हो सकता है आप सही भी बोल रहे हो, या फिर ये जो मैंने समझा है उसको थोड़ा बुक के अंदर वापस झांक के देखना क्या मिलता है आपको इसका रिजल्ट. कल हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? बाय.